तो आप लोगों को पता है ना कि दोस्तों क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट में बकेट सिस्टम चलता है। मैंने पिछले दिनों बता रखा है कि बकेट सिस्टम क्या होता है और उस बकेट सिस्टम में आपको कौन कौन से कॉल फेस करने पड़ते हैं। जब आप फर्स्ट टाइम क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं करेंगे तो बैंक के एम्प्लॉय ही आपको कॉल करते हैं और वो आपको रिक्वेस्ट करते हैं। रिक्वेस्ट के फॉर्मेट में आपको बोलते हैं कि सर आपका पेमेंट जो ड्यू है आप उसको क्लियर कर दीजिए। वो हो सकता है आपको मोराटोरियम दे दे जैसा कि कोविड टाइम में दिया गया था। और अब तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड को कैसे सेटलमेंट करना है। पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा, कितने परसेंट में आप सेटलमेंट कर सकते हैं, किस महीने में आपका सेटलमेंट होगा। अगर आपका एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड NPA हो गया है तो आपको क्या करना है, या फिर NPA के प्रोसेस में है तो आपको क्या करना है, पूरी वीडियो में सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा अगर आप एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड के जाल में फंसे हुए हैं। तो मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं। दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आप लोगों को पता ही है कि एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड जो है आप वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड डिस्ट्रीब्यूटर इंडिया में बन चुका है। कारण दोस्तों आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, क्योंकि इसने सिटी बैंक के जितने भी क्रेडिट कार्ड के एक्टिविटीज थे उसको टेक ओवर कर लिया। आप लोगों को पता होगा ना कि सिटी बैंक हमारे हिंदुस्तान से अब जा चुका है, उसने अपना सारा बिजनेस एक्सिस बैंक को दे दिया है। तो एक्सिस बैंक और सिटी बैंक के दोनों को मर्ज होने के बाद जो इनका बना है कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन वो बहुत ज़्यादा है और दूसरे नंबर पर दोस्तों HDFC आ चुका। तो जितना ज़्यादा लोगों को क्रेडिट कार्ड एक्सिस बैंक का है, सिटी बैंक का है, तो उन दोनों का अब जो सेटलमेंट होगा वो एक्सिस के माध्यम से ही होगा। तो आप लोगों को पता है कि एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड के फीचर्स बहुत अच्छे होते हैं। ये अच्छे खासे आप लोगों को ऑफर्स देते हैं, डिस्काउंट देते हैं और आप लोग सोच भी नहीं सकते कि आप लोगों को ये 7 टाइप के इंश्योरेंस भी देते हैं। ये क्रेडिट कार्ड के मैंने रिव्यू कर रखा है, आप लोगों को नहीं मालूम तो डिस्क्रिप्शन में वीडियोस के लिंक्स हैं, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन आप लोग कोविड के टाइम में जॉब कट की वजह से या फिर ऐसी बैड एक्टिविटीज़ की वजह से क्रेडिट कार्ड एक्सिस बैंक के ट्रैप में फंस गए हैं, तो आपको अगर सेटलमेंट कराना है, परेशान कर रहे हैं रिकवरी वाले, आपके घर आ रहे हैं, फ़ोन पे कॉल कर रहे हैं, आपके रिश्तेदारों को कॉल कर रहे हैं, तो उन सब से निकलने के लिए आपको सेटलमेंट एक अच्छा ऑप्शन होता है। दोस्तों सेटलमेंट क्या होता है, सेटलमेंट क्यों कराना चाहिए, कब कराना चाहिए, तो ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना रखा है। आप लोगों को नहीं पता तो आई बटन में है, जाके देखिए, आपको ज़्यादा अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। तो एक्सिस बैंक का जो क्रेडिट कार्ड होता है और एक्सिस बैंक का पर्सनल लोन होता है, सिटी बैंक का क्रेडिट कार्ड और सिटी बैंक का पर्सनल लोन, ये सारे अब एक्सिस के माध्यम से अब सेटल होंगे, क्योंकि इनके RM जो है सिटी के और एक्सिस के दोनों अब एक ही हो चुके हैं, जिसके एम्प्लॉय ही यहाँ पर सेटलमेंट करेंगे। तो आप लोगों को पता है ना कि दोस्तों क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट में बकेट सिस्टम चलता है। मैंने पिछले दिनों बता रखा है कि बकेट सिस्टम क्या होता है और उस बकेट सिस्टम में आपको कौन कौन से कॉल फेस करने पड़ते हैं। जब आप फर्स्ट टाइम क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं करेंगे तो बैंक के एम्प्लॉय ही आपको कॉल करते हैं और वो आपको रिक्वेस्ट करते हैं। रिक्वेस्ट के फॉर्मेट में आपको बोलते हैं कि सर आपका पेमेंट जो ड्यू है आप उसको क्लियर कर दीजिए ताकि आपका क्रेडिट कार्ड या लोन स्टैंडर्ड हो जाए। क्रेडिट कार्ड स्टैंडर्ड होना या लोन स्टैंडर्ड होने का मतलब होता है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड का टाइम पे पेमेंट कर रहे हैं, पर्सनल लोन की EMI आपकी टाइम पे जा रही है, जो भी बाउंसिंग चार्ज ओवरड्यू वगैरह था आपने उसको क्लियर कर दिया है, तो वह रिपोर्टिंग सिविल में जब करेंगे तो बताएंगे कि आपने सब कुछ ठीक कर लिया है। 3 महीने में अगर 2 बाउंस या 2 डिफॉल्ट हो जाता है तो बैंक 3rd महीने में आप की रिपोर्ट सिविल को करते हैं, लेकिन आप उस 3 महीने में दोनों चीज को ठीक कर लेंगे तो आपकी रिपोर्टिंग सही जाएगी। तो दोस्तों एक्सिस का क्रेडिट कार्ड हो या पर्सनल हो, उसको सेटलमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले 6 बकेट तक जाना है और NPA होने के बाद ही सेटलमेंट के लिए बात करनी है। जितना ज्यादा टाइम लेंगे उतना आप ज्यादा कंसेशन ले सकते हैं और जितना कम टाइम में कराएंगे दोस्तों उतना ज्यादा पैसा देना पड़ता है। आप लोगों को पता है ना दोस्तों कि क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन जो होता है ये एक अनसिक्योर्ड कैटेगरी का लोन होता है और इस लोन को बैंक आपके इनकम प्रूफ के बिहाव पे और आपके सिविल के बिहाव पे देता है। तो यहाँ पे जब आप पेमेंट्स नहीं करते हैं तो यहाँ पे कोई जेल या कोर्ट कचहरी नहीं होती है, जैसे कि सिक्योर्ड लोन में होता है। जैसे वहाँ पे अगर होम लोन होगा तो सर किसी एक्ट से आपके घर को सेल कर दिया जाएगा, कार है वो भी सिक्योर्ड लोन है तो आपका उठा लेंगे, लेकिन क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन में ये सब चीज़ें नहीं होती है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप परेशान हैं तो आप अपनी परेशानी बैंक को बताएं,
वो हो सकता है आपको मोराटोरियम दे दे, जैसा कि कोविड टाइम में दिया गया था। और अब तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक चीज और क्लियर कर दिया है कि अब आप पे भारी जुर्माना नहीं लगेगा, आपको जुर्माना उतना ही लगेगा जितने जुर्माने की राशि फर्स्ट टाइम के लिए बैंक ने RBI के गाइडलाइन के अंतर्गत निर्धारित किया है। तो यहाँ पे आपको अपनी परेशानी बैंक को बताना है, बैंक हो सकता है आपकी हेल्प करे, मोराटोरियम कर दे, लोन को रिशेड्यूल कर दे, क्रेडिट कार्ड के अमाउंट को EMI पे आपके कन्वर्ट कर दे, लेकिन वह लोग ऐसा नहीं करते 30 दिन के अंदर। तो आपके पास बहुत सारे संवैधानिक अधिकार है कि आप उनकी शिकायत कैसे आगे करके आप कंपनसेशन ले सकते हैं। इस पर मैंने वीडियो बना रखी है कि बैंक की शिकायत कैसे करें और बैंक की शिकायत को करें, उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से बातों को समझा रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, आपको एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड कैसे सेटलमेंट करना है आसानी से, तो आपको बकेट सिस्टम में बात करते रहना है, मेल लिखते रहना है, कोई अगर हरेस कर रहा है तो एविडेंस को भी बैंकों को मेल करते रहना है लगा के, जैसे किसी ने कॉल किया नंबर से तो नंबर को रिकॉर्डिंग करके आप भेज दें, कोई घर पे आके धमका रहा है वीडियो बना के भेज दें, तो आप इस चीज को खींच के ले जाएंगे, फिर बैंक आपके अमाउंट को NPA कर देगा। और NPA करने के बाद दोस्तों आप कम से कम में सेटलमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे माध्यम से भी आप इस काम को करा सकते हैं। हम लोग सेटलमेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, दो टाइप से होता है, एडवाइजरी सर्विस, एक होता है हैंड होल्डिंग सर्विस। अगर आप परेशान हैं किसी भी लोन के ट्रैप में, किसी भी क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में, तो आप हमारे माध्यम से यह सर्विस लेके करवा सकते हैं और जल्द से जल्द उसमें से छुटकारा पा सकते हैं। बड़ा आसान तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी नहीं है। और जिंदगी को जीने के लिए दोस्तों ये ट्रैप्स वगैरह जो होते हैं, डेट ट्रैप हो गया, ये बहुत ही खतरनाक होता है। इसमें आपको साइकोलॉजिकली, फिजिकली भी, और आप वेल्थ क्रिएशन करने में भी आप बहुत पीछे रह जाते हैं। तो इस प्रकार आप बात करते करते एक ऐसा टाइम आएगा बैंक आपके अमाउंट पे रेडी हो जाएगा। आप उनको कहेंगे कि हाँ जी, आप मेरा अमाउंट जो रेडी किए हैं वो मेरे मेल पे लेटर बना के भेज दीजिए, वो लेटर आप चेक कराइए हमारे माध्यम से, ये जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, हम आपको बताएंगे वो सही है कि गलत। और फिर उसके बाद आप अगर सही अमाउंट है कर दीजिए, और फिर आपको NOC मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट बड़े आसानी से कर सकते हैं। कुछ क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट्स लिखिए। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, बेल बटन दबा दीजिए। और अगर इस वीडियो को देख रहे हैं आप फेसबुक पे, तो फॉलो करना नहीं भूलिएगा। शेयर करिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। कुछ कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चन क्वेरी अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरे काम की है, तो ये व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से पूछिएगा। प्लीज आप कमेंट्स में नहीं पूछिएगा, क्योंकि लोग आपके नंबरों का उठा के मिसयूज कर सकते, आपकी प्राइवेसी में दखल अंदाजी कर सकते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखिए अपने शत के ख्याल। और हमारी वेबसाइट है www.ahktips.com, वहां पे विजिट करिए, ब्लॉग मिलेगा वो जो आपके काम का हो। सी यू।